मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनसाइड ऑफ प्रोजेक्टर क्या क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। ये इसके साथ मैग्नीफाइंग मिरर है जो कि आपकी पिक्चर को फोकस करता है। इसके अलावा ये एक सिंपल मिरर इस साइड पे आप देख सकते हैं इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, और उसके साथ एक स्पेशली इन्होंने एक ये इस तरह का एलईडी ग्लास रखा हुआ है जो कि ब्राइटनेस को ज़्यादा करने के लिए मदद करता है। फ्रेंड्स, इसके साथ आप देख सकते हैं टोटल ये काफ़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है। और ये आप देखें मैग्नीफाइंग मिरर जो कि सही तरीके से आपको पिक्चर फोकस करने में मदद देता है। इसके अलावा आप ये देखिएगा, ये इन्होंने एक फ़ैन रखा हुआ है जो कि आपके प्रोजेक्टर को ठंडा रखता है। इसके अलावा ये इनबिल्ट स्पीकर है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी एलसीडी है, ये देखिएगा ये इसकी एलसीडी है, और ये इसका लैंप है। मैं आपको मज़ीद दिखाना चाहूँगा, ये इसका रिमोट कंट्रोल है, ये देखिएगा। उसके अलावा इसके साथ आपको एक ऑडियो वीडियो कनेक्टर मिल जाता है, और ये इसका मेन कवर है जो कि मैंने पहले से खोल के रखा हुआ था, और ये इसकी 12 वोल्ट डेट एम्पेयर की इसकी जो सप्लाई है, इसके थ्रू आप इसको ऑन कर सकते हो, जो कि मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये स्पीकर के लिए है, और ये अगर आप मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो अभी इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए इसकी लाइट ऑन हो गई है, और ये मैं और से ऑन करता हूँ, देखिए ब्लिंकिंग कर रही है, अभी ये ऑन हो जाएगा, ये देखिए ये ऑन हो गया है, इसकी एलईडी लाइट है, देखिए इसकी एलईडी लाइट है जो कि ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे ये काफ़ी हीट हो जाता है, इसकी वजह से इसके साइड पे फ़ैन होता है ताकि फ़ैन के थ्रू इसकी जो हीट है वो कम पड़े। अब ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसकी लाइट है, और ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है, इसको ठंडा रखने के लिए ये इसके साइड पे हीट है। अब इसका काम ये है कि ये देखिएगा, ये इसका जो मेन फीचर है जो इसको चलाने के लिए यूज़ होता है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसकी बैटरी निकाल के, ये देखिए इसका जो मैग्नीफाइंग है इसके थ्रू ये चलता है। चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं दोबारा से और आपको चला के दिखाते हैं ये कैसा फीचर देता है।